नमस्कार, मैं हूं सूरज सिंह, आप देख रहे हैं टाइम फैक्ट्स न्यूज। बिहार के बक्सर जिले के पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदेश कार्य समिति सदस्य राणा प्रताप सिंह ने ऐसे व्यक्ति जिस पर दर्जनों केस और कई संगीन आपराधिक केस हो, वो जनता की सेवा का नाटक कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दी। वहीं उन्होंने कहा कि बक्सर की जनता सब देख रही है, वहीं बक्सर पुलिस अपना काम कर रही है और हजारों लाखों भोली जनता तक अर्नगल झूठी बातें प्रसारित करने एवं सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के जुर्म में ऐसे व्यक्तियों को जल्द ही सजा भी मिल जाएगा, ऐसा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दी है। उन्हीं विषयों को लेकर के, ताकि जनता को ये लोग भ्रमित न करें, उन्हीं विषयों को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित। ये चारों विधायक जिले के ये कोरोना काल में घर में बैठे रहे, इनकी कोई गतिविधि नहीं रही, जनता के बीच इनकी उपस्थिति नहीं रही और न जनता के परेशानियों से इनका कोई लेना देना रहा। लेकिन राजनीति करने का जो इनका एक तौर तरीका है, इस पर इन लोगों को चिंतन करना चाहिए कि हर समय राजनीति का नहीं होता है, हर समय पर राजनीति नहीं की जाती है, हर विषय पर राजनीति नहीं की जाती है। अगर हर विषय पर राजनीति करना चाहेंगे तो हो सकता है उन लोगों की आदत हो, लास्ट पे राजनीति किया है कांग्रेस पार्टी ने और वामपंथी दल के लोगों ने, और वही अपने इन कांग्रेस की नाव तो डूब गई थी, वामपंथियों की भी नाव डूब गई थी। लेकिन ये लोग अभी इस विधानसभा चुनाव में जीत करके आए हैं, तो हो सकता है ये अपनी पुरानी राजनीति, जो लास्ट की राजनीति, झारखंड नहीं बंटने देंगे हम, हमारी लास्ट पे झारखंड बंटेगा, अभी कुछ इन्होंने संकल्प लिया हुआ है कि अपने लिए कि मैं ठीक रहूं, मेरी राजनीति चमकती रहे, युवाओं को गुमराह करने का इन्होंने एक सफल प्रयास किया है और वो सफल हो भी रहे हैं। किंतु कितने दिन तक युवा गुमराह होंगे, कितने दिन तक समाज गुमराह होगा, आने वाला समय उसका भी निराकरण कर देगा और आपको निसंदेह रूप से जो परेशानी समाज के साथ खड़ी हो रही है, युवाओं के साथ खड़ी हो रही है, उस परेशानी के पीछे ये कुत्सित मानसिकता वाले लोग हैं, जिनकी मानसिकता कुत्सित है, किंतु यह लंबे समय तक नहीं चलेगा। सैन्य कर्मियों से सबूत मांग रहे थे, तो इस तरह की गंदी राजनीति इन लोगों ने किया है। हिंदू से इनको नफरत है, भारतीयता से नफरत है, राष्ट्रवाद से नफरत है, तो कौन कौन सी बात कही जाए ऐसे मुद्दों पे। और जनता भोली भाली जनता है, भोली भाली जनता को ठगने का काम करते हैं, भोली भाली जनता इनको चुन देती है और प्रत्याशी प्रतिनिधि होने के बाद फिर ये गलत तरह की राजनीति शुरू कर देते हैं। इन सब विषयों से ताकि जनता गुमराह ना हो, आज जनता गुमराह हो रही है। बक्सर विधायक के द्वारा एक समाज विशेष के युवाओं को गुमराह किया जा रहा है, समाज विशेष के युवा अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं और अपराधी बन रहे हैं। ये कौन सा राजनीति है कि हम किसी के बच्चे को बिगाड़ दें, हम किसी के बच्चे को बर्बाद कर दें, उसका जीवन बर्बाद कर दें, ये राजनीति का कोई हिस्सा नहीं। राजनीति अगर करनी है तो स्वच्छ राजनीति कीजिए, जनता के विकास से जुड़िए, जनता की समस्याओं को सुनिए और आवाज उठाइए, सदन में और मीडिया के माध्यम से, पत्रिकाओं में, पेपरों में आप इसे रखिए। मैं तो चुनौती देता हूं, बक्सर जिले के चार विधायक हैं विपक्षी दल के, मैं चारों विधायकों को चुनौती देता हूं कि वो माननीय विधायक भारत सरकार ही नहीं बल्कि बिहार सरकार के विकास के मुद्दे पर जहां भी चर्चा करना चाहेंगे, मैं उनके साथ चर्चा करने के लिए तैयार हूं। वो समय तय कर लें और स्थान तय करें कहां चर्चा होगी। बक्सर के सदर विधायक ने हमारे माननीय मंत्री साहब, भारत सरकार के सांसद, उनको चुनौती दिया था कि मैं विकास के मुद्दे पर मैं चर्चा करना चाहूंगा, तो वह चुनौती मैं स्वीकार करता हूं और मैं उन्हीं से कहता हूं कि
विधायक जी आप समय और स्थान तय कर दीजिए, लेकिन वो स्थान जनता जनता भी रहेगी, कोई पार्टी का वर्कर नहीं रहेगा, केवल आम जनता रहेगी और वहां पे आप चर्चा करेंगे, आप प्रश्न उठाएंगे, मैं भी प्रश्न उठाऊंगा और दोनों लोग प्रश्नों का आदान प्रदान होगा, मैं देखूंगा कि आप किस विकास की बात करते हैं। आपके मानसिकता में विकास नहीं है, आपकी सोच में विकास नहीं है, आप जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी की विचारधारा में विकास नहीं है, आप किस विकास की बात करेंगे? जिस पार्टी ने विकास से कुछ दूर भारत की बर्बादी की नींव रखी है, उस पार्टी का प्रत्याशी उस पार्टी का प्रतिनिधि विकास की बात कर सकता है? जिस हिंदू और हिंदुत्व की बर्बादी का कारण है कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी और उस पार्टी के विधायक, विकास की बात करेंगे? जनता की समस्याओं की बात करेंगे? हिंदुत्व की बात करेंगे? हिंदुत्व से नफरत करने वाले लोग, और जो हिंदुत्व से नफरत करेगा वो भारत से कभी प्रेम नहीं कर सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 1995 में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदुत्व किसी धर्म और पंथ से संबंधित नहीं है, हिंदुत्व यानी भारतीयकरण, और भारतीयकरण देश की एक एक नागरिक के विचार में होना चाहिए। हिंदुत्व शब्द किसी धर्म और पंथ से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है, यह माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश। और इन सब मुद्दों को भड़का करके, आपस में लड़ाने की बात करके, ये बक्सर के सदर विधायक, इनका इतिहास रहा है अपराध करना, कई अपराध में ये लिप्त हैं, इनके ऊपर दर्जनों केस हैं, छिनैती का, चोरी का, अपहरण का, रंगदारी मांगने का, और इन्होंने चुनाव में अपने अफिडेविट में अपने केसों को छुपा करके, इनके ऊपर जितने केस हैं उनको छुपा करके इन्होंने अफिडेविट दिया हुआ है। विधायक बनने के बाद इनके ऊपर जिस तरह के आरोप लगे, हम जैसे लोग अगर रहते तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देते और पुनः चुनाव में जाते। विधायक चोरी की गाड़ी से विधायक घूमता है, विधायक की गाड़ी से शराब का तस्करी होता है, यही है लोकतंत्र, और यही है लोकतंत्र में आपकी आस्था। निसंदेह रूप से इस तरह के लोग कभी भी समाज और देश का भला नहीं कर सकते, समाज को दिशा नहीं दे सकते। मैंने तो कहा कि एक विशेष समाज के लोगों को गुमराह कर